एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो और उससे रिलेटेड जो भी सलूशन हो वो सभी बच्चे अपने मेरे तक पहुँचाओ और इस वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट तक ये सभी बातें पहुँच सके। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी तक की जितनी भी मेहनत थी या मेरे द्वारा किया हो या बच्चे आप लोगों के द्वारा किया हो या फिर जिनके द्वारा भी, सभी बच्चों के सपोर्ट की वजह से जो हमने CWP फाइल किया था या जो भी हमने मेहनतें की या अभी तक आज खुद लग रहा है बाबू क्या बताओ बस। तो इन सभी चीज़ों को देख के जो आज जो है हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया जो भाई पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में ही लेने हैं, तो इट मीन्स आप लोग समझ जाओ जो भी हम लोगों ने CWP फाइल किया था हाई कोर्ट में उसे रद्द कर दिया गया और जो भी हमारी डिमांड थी ब्लेंडेड मोड एग्ज़ाम या ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेके वो हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया और अब जो है आप लोगों के जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाने का जो HSBT का जो मांग था वो उनकी मांग पूरी हो गई है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अब जो भी बच्चे काफ़ी स्टूडेंट है जो मेरे बारे में जो भी आप लोगों को जितनी गालियाँ देनी है जो भी आपको सोचना है या जो भी लाइक अनलाइक जो भी आप कर सकते हो बच्चे आप करो, आपके पास फुल छूट है। मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं खुद से हारा, आज जो देखा मैंने कंडीशन मुझे लग गया जो भाई हम जो है कभी भी जो काफ़ी कुछ ऐसा है वीडियोस के थ्रू आप लोगों के तक रखना भी सही नहीं है और ना इस बात को लाइव कहना सही है, बट आज ना लग नहीं रहा जो अब कभी कुछ हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, जो हो रहा है बस होने दो। तो आज कोर्ट में क्या हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो हमारे जो वकील थे उन्होंने भाई ब्लेंडेड मोड एग्ज़ाम को लेके जो डिमांड रखा हाई कोर्ट में, सामने वाले भी जो HSBT के तरफ से भी थे उन्होंने अपनी बात रखी, तो इन सभी को देखते हुए जो उनका कहना ये था जो हम UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑफलाइन पेपर ही लेंगे, हम ऑनलाइन पेपर या ब्लेंडेड मोड एग्ज़ाम नहीं ले सकते, तो हमारे भी वकील सर की जो भी बातें थी जो हमने कहा था या जो भी आपके पॉइंट थे वो सारा कुछ मैंने उन्हें बताया था। उसके बावजूद जब कोर्ट गए तो हो गया जो भाई अब जो आप लोगों के जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। तो मेरा कहना ये है जो बच्चे अभी तक आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया या अभी तक आप लोग जो भी बच्चे मेरे साथ लड़ रहे थे पढ़ाई के साथ या जो भी जैसा था बच्चे, आज मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूँ। और आज पिछली बार हमने देख लिया भाई प्रोटेस्ट करके भी कुछ नहीं मिला, अब की बार भी हम हर जगह से कहते नहीं कि अब मैं खुद सोच रहा हूँ जो बच्चे मतलब आज जितना डिमोटिवेशन मतलब इतना सुबह तक मोटिवेटेड था जो भाई कम से कम जज साहब ब्लेंडेड मोड का ऑप्शन दे ही देंगे, कम से कम जज साहब ब्लेंडेड मोड का ऑप्शन दे ही देंगे, बट अभी जो है बिल्कुल क्लियर हो गया जो भाई आप लोगों के जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ही रहेंगे। अगर बच्चे मेरे तरफ से हो सकता है कोई मेहनत में कमी रह गई हो या किसी चीज़ में कमी रह गई हो तो बच्चे मैं आप लोगों से बिल्कुल अंदर से कह रहा हूँ बाबू सॉरी, मैं बहुत मेहनत किया आप लोगों की वजह से, बहुत ट्राई किया हर चीज़ से किया, बट आज जो हार मिली है ना मतलब बता नहीं सकता। बट बच्चे मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ जो अभी तक आप लोगों को जो भी मिला, बट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले बच्चों को प्रॉफिट हुआ, साथ साथ जो सिक्स सेमेस्टर के जो बच्चे थे जो आप लोगों के पेपर पैटर्न बदले, ये सभी चीज़ें बस आपको दी गई है HSBT की तरफ से, वो भी मान लो बस मिला है, बट इन्होंने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ना कुछ। तो इसी सभी को देखते हुए आप लोग कन्फर्म हो जाओ जो अब जो है आप लोगों के पेपर ऑफलाइन मोड में जो भी आप लोगों की डेट शीट है 9 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और सभी बच्चों को कह देता हूँ अगर आप लोगों को लगे जो मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, सभी बच्चों को जितना गाली दे सकते हो आप लोग बिल्कुल खुल के दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। बट बच्चे मैं क्या करूँ, मैं कहती नहीं कि मजबूर सा होना, अब की बार बिल्कुल मजबूर हो गया ना, मैं हाई कोर्ट में भाई मैं बहस कर सकता ना मैं वकील, अब आगे क्या करना है ये भी अब समझ नहीं आ रहा, तो मैं खुद से डिमोटिवेशन अब जो है ना लग रहा है जो भाई सही में आज तक बहुत पेपर दिए, बहुत कुछ लाइफ में किया, बहुत जगह जीत मिली, बहुत जगह हार मिला, बट आज का जो हार है ना ये कहती कि मेरी लाइफ में पूरी जिंदगी याद रहेगी। काफ़ी कुछ ऐसा है जो बाबू आज एक टाइम आज सीख लो, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हाई कोर्ट ने बसरते उनके फेवर में न्यूज़ दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, बट अब भी मैं चाहता हूँ भाई पढ़ाई लिखाई में मुझे नहीं लगता जो अब कुछ लग रखा है, इससे अच्छा पार्टी पॉलिटिक्स करो तो ज़्यादा बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे लगता है ना बच्चे। काफ़ी चीज़ें आप लोग भी समझ रहे हो, काफ़ी बातें हम भी समझ रहे हैं, बट ये नहीं है जो हाईकोर्ट के जज बिक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात मैं डायरेक्टली कहता हूँ ना हमारे वकील, बट गेम समझ जाओ, अब मैं ज़्यादा कहना भी सही नहीं है मेरे लिए। तो ये सारी बातें थी, तो अब बच्चे आप लोग समझ जाओ जो आप लोगों के जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में, जो भी इनकी डेट शीट है या जो आपके एडमिट कार्ड है उसी एडमिट कार्ड के द्वारा आप लोगों के पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे
और आज मैं बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल अब आगे नहीं समझ आ रहा है जो मैं क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, क्योंकि पेपर का डेट भी 9 तारीख को है। अगर पेपर का डेट आगे रहता तो हम कुछ सोचते भी, बट अभी बच्चे बहुत कम टाइम है। और मैं अब नहीं चाहता, जो अभी तक हमने जो भी लड़ाई की, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, दिल से किया, ये बात में कोई भी दोहराई नहीं है जो आप लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं कर। बशर्ते बच्चे मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, आपने अगर मेरे लिए एक कदम बढ़ाया तो मैं आप लोगों के लिए 10 कदम बढ़ा के आपके साथ खड़ा रहा। बट आज की जो हार मुझे मिली है पूरी जिंदगी याद रहेगी। ये नहीं जो मैं हार गया, ये नहीं जो भैया हमारे स्टूडेंट हार गए, बट काफ़ी कुछ ऐसा है जो मुझे आज सीखने को मिला। और रियलिटी आज बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने सीखा इन चीज़ों से। तो जिन भी बच्चों को अब कमेंट में गालियां देना हो, वीडियोस को अनलाइक करना है, सपोर्ट छोड़ना है, आप लोग बिल्कुल छोड़ सकते हो, आपके साथ फुल छूट है। बट बच्चे अब मैं खुद कहना चाहता हूँ, जो मैं ये हो सकता है कहीं मेरे मेहनत में कमी रह गई हो, या बच्चों की मेहनत में कोई कमी रह गई हो, या मेरे एडवोकेट सर के मेहनत में कोई कमी रह गई हो, बट आज हमें हार मिली। हार मिलने का मतलब है या तो हमारे मेहनत में कमी है, या फिर आगे आप लोग समझ ही सकते हो। तो लेकिन जो भी आप लोगों की बातें थी, हमने सब कुछ रखा। अब यही बातें जो भी अपडेट था मैंने सबको बता दिया। तो जो भी अदर स्टेट के बच्चे हो, या आप लोग त्रिपुरा के हो, असम के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, नेपाल के हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो अब आप लोग ट्रेन लेके जो बाबू जितना जल्दी हो अपना हरियाणा आ जाओ, क्योंकि आज जो हमारी हार हुई है मुझे नहीं लगता जो अब कभी मैं खुद अपने नज़र में उठ पाऊंगा, जहां तक कि मुझे लगता है। लेकिन कोई ना, जो होता है चलो, अब इतना भी डिमोटिवेट नहीं होना, जो होना था वो चलो वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, तो आई होप सभी बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, और आप लोग जो भी स्टूडेंट है सब तक पहुँचाइए। और साथ साथ ऑफलाइन की जो आपकी तैयारी बाबू जी जान लगा के कर दो, 5 दिन है, 5 दिन में जिस अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न इन्होंने दिया है उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है पास हो जाओगे। बट आज जो है हार मिल गई है, ये बात आप लोग बिल्कुल कन्फर्म समझ लो, ठीक है। तो ये सारा अपडेट था। तो चलो बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। देखता हूँ जो भी ऐसा कुछ अपडेट आएगा मैं आप तक रखने की कोशिश करूंगा। बट बच्चे मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, जिन भी बच्चों को लगे जो मैंने सपोर्ट नहीं किया, या जिन भी बच्चों को लगे जो मेरी तरफ से कोई मेहनत में कमी रह गई, या जिन भी बच्चों को लगे जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत नहीं किया हूँ, तो खुला छूट है, कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, एक भी कॉमेंट को रिमूव नहीं किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल खुल के जितना गाली देना है दे सकते हो। बट बच्चे आज जो लग रहा है ना, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस यही समझो, जो कहते नहीं रो नहीं सकता बस लाइव में, बस अंदर से ना बिल्कुल टूट सा। छोड़ो, अब देखो आगे क्या होता है। तो ये सारा अपडेट था बच्चे। तो जो भी अभी तक हम लोगों ने किया है आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ है। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले बच्चे प्रमोट हुए आपकी सपोर्ट की वजह से हुए, यहाँ तक हम लड़े वो भी आपकी सपोर्ट की वजह से हुए। बट मैंने कहीं कुछ पैसा लगा दिया, कहीं मेहनत आप लोगों से ज़्यादा किया, बट बच्चे आज जहाँ तक हम पहुँचे वो आपकी सपोर्ट से पहुँचे। और आज जो हाई कोर्ट में बसरते हमारी हार हुई है, बट काफ़ी कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। बट बच्चे हार हार है, ये बात आप लोग मानो। तो मेरा कहना है ये फुल छूट है, जिन भी बच्चों को जो भी गलत कहना है मेरे बारे में, आप लोगों के लिए कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी जितनी गालियाँ देना है आप दे सकते हो, बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा। बट बच्चे हार हार है, ये बात आप लोग मानो। चलो हम मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। चलो जो भी होगा आप देखो आगे क्या होता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियोज में। बाय, लव यू।